जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार और सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं। ये तीन लोग हैं जिनके नसीब में हमेशा जीवन में दुखी हैं, वो कौन से तीन लोग हैं और ये तीन लोग क्या आपके आसपास हैं और ये जो तीन लोग आदत इनमें जो है, जो हरकत ये कर रहे हैं, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, क्या हम वो तीन चीज़ तो नहीं दोहरा रहे हैं? क्योंकि ये तीन लोग हमेशा, इनका नसीब जो है वो ख़राब रहता है और ख़राब रहने के साथ साथ ही ये कभी भी जीवन में उन्नति की ओर नहीं जा सकते हैं। वो कौन से तीन लोग हैं, वो क्या है, इस विषय में, इस वीडियो में हम उन विषयों पर ही चर्चा करेंगे। और आज ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि बहुत दिनों से जातक अपने हालातों के ऊपर मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि पंडित जी बहुत ख़राब हालात है, बहुत परेशान है, हताश है, निराश है और कई सारी चीज़ें। तो शायद ये जो गलतियां हैं हम भी ना करें, ये तीन लोग जो कर रहे हैं और उन गलतियों को हम सुधार भी सकते हैं। हम वीडियो की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, बातों को और गंभीरता की ओर ले जाएं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ज्योतिष रिलेटेड सकारात्मक वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। दूसरी बात है कि आप कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे ताकि मुझे अच्छा लगे। हम आज इस विषय पर बात करें उससे पहले एक और बात है कि अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब यहाँ से एक एक पॉइंट को बहुत गंभीरता से समझना, बारीकी से समझना, तभी चीज़ें समझ आ पाएगी। सबसे पहले वो लोग जिनका नसीब हमेशा ख़राब रहेगा, जो अपने घर की या बाहर की कोई भी महिला की इज्जत नहीं करते। अब बहुत बार हम जाने अनजानों में महिलाओं को अपशब्द कह देते हैं, हमारे घर में ही हम जोर से चिल्ला देते हैं और क्रोध आवेश में कुछ अपशब्द कह देते हैं जो सही नहीं है। एक बार की गई गलती कई दिनों तक हमें भुगतना पड़ती है क्योंकि महिलाओं के सम्मान से, इसमें महिलाएं भी शामिल है, ऐसा नहीं कि मैं पुरुषों की ही बात कर रहा हूँ, कि महिलाओं के सम्मान से ईश्वर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और रिद्धि सिद्धि जो भी इस जीवन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो महिलाओं के सम्मान मात्र से मिलती है। और जो लोग महिलाओं के सम्मान नहीं करते हैं उनका नसीब वो हमेशा जीवन भर चाहे कुछ अच्छा कर लें उनको दुख ही देखना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा आप अपने जीवन में गांठ बांध के याद रखो। दूसरे वो लोग जो लोग मुँह पर कुछ और कहते हैं और पीठ के पीछे और कुछ कहते हैं, मतलब जिनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अपने जीवन में कभी भी ये चीज़ें ना करें, कहे कुछ करे कुछ, जो करना है वही कर, जो कह रहे हैं वही करना है। और पहली बात तो हमें प्लानिंग किसी को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जो हमें करना है उसके परिणाम ही सबको दिखाई देंगे, वही परिणाम सब लोगों को सामने दिखाई देंगे। अब दूसरी, इसके अलावा जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नशा व्यसन कभी ना करें। नशा व्यसन से हमेशा हमारे नसीब, धन दौलत सब चीज़ों में हमारे तकलीफें बहुत बढ़ती है। तो नशा और व्यसन कभी भूल कर भी ना करें, उनसे दूर रहें। ओम नमः शिवाय, ओम।